तो साथियों, अगर आपके मोबाइल फोन में वर्ल्ड ऑफ कैरम करके एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कोई टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, या फिर आप जब भी इस एप्लीकेशन को ओपन करने की कोशिश करते हो तो ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग स्पीड दे रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ले सकते हो। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है, तभी जाके आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम आती क्यों है। जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। स्टोरेज बढ़ने के कारण आपके मोबाइल फ़ोन पर भी असर पड़ता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वजह से, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज लिमिटेड है। अनलिमिटेड नहीं है भाई, लिमिटेड है। 2 GB रैम है, 6 GB रैम है, 16 GB रैम है, जितने GB भी रैम है कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन की उतनी स्टोरेज नहीं है जितनी कि आपके एप्लीकेशन की स्टोरेज दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि आपका एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम करने लगता है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई हम इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप फिजूल में इंटरनेट क्यों बर्बाद करोगे। जब विदाउट अनइंस्टॉलिंग आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो तो आप इसको अनइंस्टॉल क्यों करोगे भाई, अनइंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपल तरीके से आपको इस एप्लीकेशन पर टैप किया जाना, जैसे आप टैप किए रहोगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा क्या, डिलीट और ऐप इन्फॉर्मेशन। डिलीट या अनइंस्टॉल पर आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ ऐप इन्फॉर्मेशन पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप ऐप इन्फॉर्मेशन पर टैप कर दोगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा होगा स्टोरेज यूसेज। सिंपल तरीके से आपको टैप कर देना है। जैसे आप टैप कर दोगे तो क्लियर कैच और क्लियर डेटा आपको यहाँ पे कर देना है। जैसे आप क्लियर कैच और क्लियर डेटा कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन है प्रॉपर वर्क करने वाला है, कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आएगा, कोई भी ग्लिच नहीं आएगा, बस दोबारा से आपको लॉगिन होना पड़ेगा। इसलिए आपको समस्या नहीं लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो जाइए और आप बिल्कुल स्मूथली प्ले कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।